गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे, हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी तीन राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? उसमें भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग है मिले? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने संभाग के अंदर भारतीय ही दिस मैन हैज डिलीवर्ड। आपको देना पड़ेगा अमन इनको कि इन्होंने अपने एरिया में डिलीवर करा है। टफेस्ट एरिया था और मैं आपको बताऊं मिडनाइट मीटिंग्स हुई है वहां पर। गृह मंत्री अमित शाह थे एक दिन, मैं एक आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूं, आधी रात तक बैठक चलती रही है, सब बागियों को बुलाया गया, उनसे बात करी गई, कहा अगर कमल का फूल नहीं जीतेगा, नरेंद्र मोदी नहीं जीतेगा तो सोचिए क्या होगा। तो मोदी फैक्टर यूनाइट कर रहा था और अमित शाह ग्राउंड पे यूनाइट कर रहे थे और जेपी नड्डा ने भी बहुत मेहनत करी है इन तमाम इलाकों। लेकिन लड्डू तो कांग्रेस ने ऑर्डर कर दिए थे, वो तो अभी बता रहे सिंधिया जी। नीरज जी लड्डू कहां गए अब सारे? आप लोगों ने लड्डू ऑर्डर कर दिए थे, अभी सिंधिया जी ने बताया। और अभी 4 घंटे पहले मैं कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट भी पढ़ रहा था, नया लड्डू ऑर्डर करे थे सर आप लोगों। प्रियंका गांधी ने पर्सनल अटैक किया ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी फैमिली पर। नीरज जी अमन जी, मध्य प्रदेश पर बोलने से पहले मैं तेलंगाना पे थोड़ा बोल दूं, क्योंकि पिछले 4.5 महीने से मैं खुद तेलंगाना में कैंप कर रहा था और ये जो बार बार बात आ रही है कि भाजपा के साथ वहाँ क्या हुआ, आप लोग आज से साल भर पहले वहाँ जो GHMC का चुनाव हो रहा था, कॉरपोरेशन के चुनाव में प्रधानमंत्री जहाँ रोड शो किया करते थे और इस चुनाव में जो 3 रोड शो हुए, जहाँ जहाँ से मोदी जी का रथ निकला वहाँ वहाँ तो जमानत जब्त हो रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। और ये जो बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये जो BJP, MIM और BRS की जो जुगलबंदी है उसको जनता ने समझा। नमस्ते, जय हिंद। और अखाड़ा में आज दंगल चुनावी है। जी हाँ, आज इस चुनावी अखाड़े में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम आनंद नरसिम्हन है और सुबह से हम लगे हुए हैं न्यूज 18 नेटवर्क पर आपको चुनाव की इस कवरेज को दिखाते हुए। कहीं ना कहीं सार निकल के यही आ रहा है कि कैप्टन धुआंधार, टीम असरदार तो 400 भी हो सकते हैं पार। लोकसभा 2024 में यही दिख रहा है, क्योंकि 4 बड़े राज्यों में जहां पर ये बात हो रही थी जिसमें कि 3 राज्यों में सीधा कांग्रेस बनाम BJP लड़ाई है, वहां BJP ने इस तरह से छक्के मारे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के होश उड़ जाएंगे। देखिए, टारगेट महापोल में 2 ऐसे राज्य थे जहां पर अनुमान सही बैठ रहा है कि मध्य प्रदेश BJP के पाले में जा रहा है, राजस्थान BJP के पाले में जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े आए हैं इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया। कहीं ना कहीं 2-2 की बात हो रही थी कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ रिटेन करेगा और तेलंगाना BRS से छीन लेगा। अब तेलंगाना में परिस्थिति ऐसी आके खड़ी हुई है कि कांग्रेस बनाम BJP हो सकता है लोकसभा 2024 में। अब जैसे जैसे ये अंजाम, ये रिजल्ट सेटल हो रहे हैं, बात आगे की हमें करनी पड़ेगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में BJP 3 पर पूरी तरह से भारी हुआ है, पूरी तरह से हावी हुआ है और एक ताबड़तोड़ जीत है, जहां ये कहा गया है कि मोदी सबसे भारी है, एक अकेला सब पर भारी, नेशनल ट्रेंड है। और दूसरी बात, जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये वाली बात जो है, ये कास्ट सेंसस वाली बात अभी इस चुनाव में तो नहीं होती हुई दिख रही। और जहां पर BJP वीक है वहां अगर लोकल पार्टी से आपका रुझान, आपका मन ऊब गया है, वहां कांग्रेस को फायदा हुआ है, ये साफ तेलंगाना में दिख रहा है। लेकिन 17 सीटें लोकसभा में तेलंगाना में है और बातचीत वहां पर हमें करने की ज़रूरत है कि आगे जाकर अगर BRS से लोगों का मन ऊब गया है, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, क्या हिंदू वोट काउंटर कंसोलिडेट BJP की तरफ होगा। आंकड़े मैं आपको बताऊं कि 2018 में BJP को 7% वोट मिला था तेलंगाना में, उन्हें एक सीट मिली थी, एक विधानसभा सीट। 2019 में क्या हुआ, हमारे सारे एक्सपर्ट्स यहां बैठे हैं, 2019 में क्या हुआ, 2019 में BJP ने उस वोट शेयर को 19.69% किया और 4 लोकसभा सीटें जीती। अब की बार अगर 11 सीटों का रुझान तेलंगाना में दिख रहा है BJP के पास,
और कम से कम 14% वोट शेयर, तो वो लोकसभा में क्या करेगा? और बीआरएस का जो वोटर, अगर इसको लगता है कि बीआरएस के कोई चांस नहीं है, तो या तो वो कांग्रेस को वोट देगा या बीजेपी को देगा। और जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी फाइट होती है, वहां बीजेपी 80-85% कन्वर्जन की बात करता है। ये 196-200 सीटें थी, अब 220 सीटें पकड़ लीजिए, अब वहां पर 200-325 पार अप्रत्याशित, जो उन्होंने टारगेट सेट किया था, क्या ये हो सकता है? हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय कौशिक जी हैं, कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी हमारे साथ हैं इस वक्त। राजीव प्रताप रूढ़ी जी नमस्ते, बधाई हो। मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। इस चुनावी दंगल में, इस अखाड़े में तो आपने, लगता है आपका मतलब बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसा पटक दिया है, खासकर छत्तीसगढ़ में, आपको लगा था कि ये होगा? देखिए, हर लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, और चुनाव के पहले भी, एग्जिट पोल के दौरान भी, मैं औसतन इन सब विषयों पर बहुत टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं जानता हूं कि क्या परिणाम को किस तरह से विश्लेषण किया जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट था, और हम लोगों ने इस बार जिस प्रकार से सभी राज्यों में, जो प्रमुख रूप से तीन राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ लगभग हमने कोई लीडरशिप प्रोजेक्ट नहीं किया। केंद्र के भी नेतृत्व वहाँ लगी, केंद्र के से भी सांसद गए, मंत्री गए, और एक बड़ी बात जो स्थापित हुई, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कि हमने एक पॉलिटिकल वर्कर, जो एक सामान्य गांव देहात में काम करने वाला पंचायत स्तर पर है और एक राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है, हम सब लोगों ने कहा कि ये पार्टी की ताकत है। और ये जिस दिन पूरे जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो स्थापित हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके ऊपर एक और बैंड था जो बिल्कुल एपेक्स बैंड था, वो था देश के प्रधानमंत्री का, जब उन्होंने कहा कि गारंटी है। लोग गारंटी किसी के कह देने से नहीं हो, बट किसी के प्रति अगर आस्था हो, अगर मैं अपने क्षेत्र में किसी वर्कर को कहता हूँ कि मेरी गारंटी है तो मुझ पर भरोसा करता, तो आज पूरा देश, अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते कि मेरी गारंटी है तो भरोसा हो। भरोसा इसलिए नहीं होता कि कल कुछ करना है, पिछला इतिहास, पिछला कार्यशैली, पिछला सोचने का तरीका, पिछला प्रयास, ये सब मिल करके एक परिणाम देता है जो आज इन राज्यों में दिख रहा है। तो मैं समझ रहा हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो गारंटी थी वो सचमुच की एक जेन्युइन गारंटी, एक जेन्युइन पर्सन के तरफ से था, वो जो देश के प्रधानमंत्री है। और लोग सुनना चाहते इस प्रकार की बात कि भाई कौन अंतिम रूप से जिम्मा ले रहा है, और जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया, फिर तो परिणाम बदल चुके ही थे। देखिए, कर्नाटक से क्या एक बहुत बड़ी सीख बीजेपी ने ये ली कि चाहे वो सेंटर, स्टेट से सेंटर की तरफ कद्दावर नेता भेजे, उनको वापस जमीन पर भेजना जरूरी है, उनको जमीन पर काम करना जरूरी है। क्या क्या ये वजह थी कि बहुत सारे सांसदों को, मंत्रियों को आपने कहा कि जाइए फिर से विधानसभा का चुनाव लड़िए? आपने कहा यू नीड टू हैव स्किन इन द गेम, अगर आपका फिर, क्योंकि ये वैसा ही हो गया ना कि अगर आप जीते तो ठीक है बेड़ा पार, नहीं तो आपकी खत्म, पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए, ये अल्टीमेटम दे दिया कई लोगों को आपने। देखिए, किसी चुनाव अभियान का एक रेसिपी नहीं होता है, और ये रेसिपी नेशनल स्ट्रैटेजी, इंडिविजुअल्स, एक कॉम्बिनेशन, और इसीलिए आप जहां आप उम्मीद नहीं कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, चर्चा आपके लिए वहां भी इतनी अच्छी विक्ट्री, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह चर्चा था कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये इसलिए हुआ कि हमारी समझ में, हमारे पार्टी के समझ में, हमारे देश के प्रधानमंत्री की समझ में कुछ विषय थे स्ट्रैटेजी, और उन्होंने एक कंक्लूसिव, एक कोहेसिव, एक लार्जर पिक्चर बना करके चुनाव लड़ा। और ये तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट देश